फिश पराठा। बांद्रा के गांव में दुबे कहकर एक बूढ़ा आदमी रहता था। दुबे को पत्नी थी, वे दोनों एक छोटा सा झोंपड़ी में रहते थे। दुबे उसका साइकिल पर पराठे बेचता था। हर रोज सुबह दुबे की पत्नी घर में पराठा और सब्जी बनाकर उनको देती थी। दुबे उनको एक साइकिल पर लगाकर पराठे पराठे गर्मा गर्म पराठे, आइए माजी, आइए सरजी, आइए, तो पराठा केवल 20 रुपए ही है, आइए आइए गर्मा गर्म पराठा खाइए, कहकर पुकारते हुए गांव भर घूमता था। आने वालों को पराठा गर्म करके सब्जी डालकर देता था। दुबे का बेटा शहर में एक कॉलेज में पढ़ाई करने लगा। उसका नाम प्रमोद था। वो बहुत होशियार था। पिता से पैसे नहीं पूछता था और उधर ही एक छोटा सा पार्ट टाइम जॉब करते हुए पढ़ाई करने लगा। ऐसे कुछ दिन के बाद गांव में बहुत सारे फूड जॉइंट्स खुल गए। कई तरीके के पकवान के थैले भी आ गए। उससे बेचारा दुबे का व्यापार बहुत नुकसान में चला गया। एक दिन दुबे उसका पत्नी से, आज तो कम से कम निवेश के पैसे भी नहीं आए हैं, हर रोज खाने वाले भी नहीं आ रहे हैं, अब क्या करना है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, कहकर बिना खाए उधर से चला गया। पत्नी बहुत दुखी हुई। तुरंत उसका बेटा को फोन करके पूरा बात बताई। अगले दिन प्रमोद शहर से गाँव आया। पिता से प्रमोद, बापू तुम्हारा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है कहकर ऐसा परेशान होकर बैठोगे तो कैसे चलेगा, उसके लिए क्या करना है सोचना तो चाहिए ना, कहा। तब दुबे, क्या सोचने से भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना बेटा, अब मेरा पराठे कोई भी नहीं खरीदते हैं, कहा। तब प्रमोद, बापू व्यापार कहे तो लाभ और नुकसान तो मामूली बात है, उनका सामना करके खड़ा होना चाहिए, मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो, तब तुम्हारा पराठे लोग फिर से खरीद कर खाएंगे, कहकर माँ से, माँ तुम्हें मछली का आकार में पराठा बनाना आता है क्या, पूछा। तब माँ, आता है, लेकिन क्यों ऐसा पूछ रहे हो, मछली के आकार में पराठे क्यों बनाना है, पूछी। तब प्रमोद, वो सब मैं बाद में बताता हूँ, तुम कल मछली के आकार में पराठे बनाकर बापू को दो, बापू कल तुम उन पराठों को स्कूल के पास बच्चों को मुफ्त में बांटो, ऐसे ही गांव में दिखने वाले छोटे बच्चों को भी मुफ्त में दे दो, कहा। अगले दिन माँ मछली के आकार में पराठे बनाकर दिया। दुबे उनको साइकिल पर रखकर, फिश पराठे फ्री फ्री फ्री, छोटे बच्चों के लिए फ्री फिश पराठे कहकर पुकारते हुए जा रहा था। रास्ते में बच्चे उनको खाकर बहुत खुश हुए। ऐसे ही स्कूल के पास जाकर, फिश पराठे आइए बच्चे आइए बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री 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 कहकर पुकारने लगा। तब स्कूल के बच्चे उनके पास आए। उनको दुबे फिश पराठे दिया। तब एक बच्चा, अरे ये पराठे तो अलग सा है और बढ़िया है, मुझे और एक पराठा दीजिए, पूछा। तब एक बच्ची, फिश पराठे कहे तो फिश करी के साथ देते हैं समझी, लेकिन ये फिश का आकार वाले पराठे मुझे बहुत पसंद आया, मुझे हर रोज यही चाहिए, आपको दूसरे एनिमल्स के जैसे पराठे बनाना आता है क्या, पूछी। ऐसे घर जाकर वे बच्चे उन फिश पराठे के बारे में उनका माँ पिता से कहे। अगले दिन दुबे जाने तक उन पराठों के लिए बच्चे और उनका माँ पिता इंतजार करने लगे। दुबे दिखते ही वे सब उन पराठे खरीदने लगे। ऐसे ही स्कूल के पास भी बच्चे पैसे देकर पराठे खरीदने लगे। ऐसे दुबे को अच्छा पैसे मिलने लगा। दुबे और उनकी पत्नी बहुत खुश होने लगे। उनको ये बेहतरीन विचार देने के लिए उनका बेटा का बहुत तारीफ किए।